तो फिर आप सभी का स्वागत है। बैतूल में सरकारी हाई स्कूल भवन का आधा हिस्सा धराशायी हो गया है। मामला बैतूल से 70 किलोमीटर दूर आठनेर विकासखंड के सरकारी हाई स्कूल का है। वो तो गनीमत रही कि जिस समय हादसा हुआ उस दिन रविवार था और सभी छात्रों की छुट्टी थी। अगर कहीं ये स्कूल लगते वक्त ये हादसा होता तो गंभीर हादसा और एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि जिन दोनों कमरों का हिस्सा धराशाही हुआ है उसमें 9वीं और 10वीं क्लास के 60 बच्चे मौजूद रहते हैं। हालांकि इस हादसे के लिए छात्र स्कूल स्टाफ को दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं स्कूल स्टाफ का कहना है कि अधिकारियों को कई बार सूचित कर दिया गया है। घटना के बाद जिम्मेदार अधिकारी हरकत में आए और निर्देश दिए कि स्कूल के जर्जर वाले हिस्से में छात्रों को ना बिठाएं। जर्जर स्कूल तो है, लेकिन उसमें हम लोगों ने ये निर्देश दे रखे हैं कि बच्चों को नहीं बैठाया जाए, उपयोग नहीं किया जाए और उनको डिसमेंटल की कार्रवाई जो है रेगुलर प्रचलित है। मैडा छिंदवाड़ा से ऐसी रिपोर्टिंग उनके द्वारा नहीं की गई थी कि ये चूंकि क्षतिग्रस्त हैं, और ये तो हम लोगों ने पहले से निर्देश दे रखे हैं कि नहीं बैठाया जाए। सर, इसमें प्रथम दृष्टया किसकी लापरवाही लगती है? या वो तो निर्माण एजेंसी, जो निर्माण जिसने कराया उसकी पहली है। कलेक्टर साहब के समक्ष हम लोगों ने सुबह ही इंजीनियरों को भेज दिया है और वो पूरी जानकारी वहाँ से लेके आ रहे हैं। और फिलहाल खबर